धर्मशाला है, यहाँ पे कोई आ रहा है और कोई जा रहा है, और सच्चाई है हम आए हैं तो हम जाएंगे भी, लेकिन कहाँ जाएंगे? आ तो गए, परमेश्वर परिवार दिया है ना, प्रभु का धन्यवाद, लेकिन जाएंगे कहाँ? ये सोचने का जरूरत मुझे और आपको आज के दिन में है, और ये बहुत गंभीर विषय है मेरे और आपके लिए कि हम कहाँ जाएंगे। अगर हम परमेश्वर में हैं तो है ना मुमकिन है कि हम परमेश्वर के अब्राहम की गोद में जाएंगे, लेकिन अगर हम परमेश्वर में नहीं है तो हम कहाँ जाएंगे? आज सोचें, क्योंकि आज सोचने का समय है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोगों से मिलते हैं और वो लोग अलग अलग तरीके से अपने अपने ईश्वर को मानते हैं, और बहुत सारे लोग जब यहाँ पे आते हैं, बहुत धर्म बहुत जाति के लोग आते हैं है ना, वो अपने तरह से परमेश्वर को देखते हैं समझते हैं। एक मोटिवेशनल मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी, और वो इस प्रकार से है। एक भाई था, वो परमेश्वर की खोज में निकला, वो परमेश्वर को मानने वाला, बहुत ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर को मानने वाला, परमेश्वर से प्यार करने वाला एक बंदा था। वो परमेश्वर की खोज में निकला और उसने कहा कि परमेश्वर एक, बस वो ये जानता था कि परमेश्वर एक ताकत है, एक सामर्थ्य है, और वो उसने बोला कि मैं अब निकलूंगा, मैं परमेश्वर को जाके देखूंगा साक्षात कि परमेश्वर कैसा है। वो निकल गया, वो थोड़ी दूर चला और वो देख रहा था कि कोई ऐसी सबसे ज्यादा पावरफुल चीज मुझे दिखे जिसको मैं कह सकूं कि हाँ ये परमेश्वर है। थोड़ी देर के बाद उसकी जो निगाह थी वो ऊपर आसमान की ओर गई, और बहुत तेज धूप था उस समय और सूरज पूरी अपने बल के साथ चमक रहा था। उसने जैसे सूरज को देखा उसने कहा, अरे ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली है भैया, इसको कोई छू भी नहीं सकता, यही परमेश्वर है। और वो उसको परमेश्वर मानने लगा और उसको पूछने लगा। थोड़ी देर के बाद उसने देखा कि एक बड़ा बादल आया और आके उसने क्या करा, सूरज को ढाक लिया। क्या किया? ढाक लिया। और उसने कहा, अरे ये बादल इतना शक्तिशाली है, इसने सूरज को ढाक लिया, ये परमेश्वर है। अब सूरज परमेश्वर नहीं रहा, अब कौन परमेश्वर है? बादल परमेश्वर है। थोड़ी देर के बाद बहुत तेज हवा चली, बहुत तेज, और उस हवा ने क्या करा, बादल को उड़ा के ले गई। वो फिर अचंभित, कह रहा सूरज परमेश्वर नहीं, और ये देखो बादल को भी परमेश्वर समझ रहा था, हवा आया और हवा बादल को उड़ा के लेके चला गया, इतनी शक्तिशाली हवा है, इसका मतलब कि हवा ही परमेश्वर है। अब वो हवा को परमेश्वर मानने लगा। थोड़ी देर के बाद वो क्या देखता है कि हवा जो है वो एक पहाड़ से टकरा रही है, बहुत तेज हवा चल रही है, पहाड़ से टकरा रही है, लेकिन वो पहाड़ को हिला भी नहीं पा रही। वो सोचता है कि हवा को मैं परमेश्वर मान रहा था, हवा जो है वो पहाड़ को भी नहीं हिला पा रही है, तो भैया ऐसा है, ये पहाड़ ही परमेश्वर। आप सोचो इंसान का दिमाग ना, कह रहा है कि पहाड़ ही परमेश्वर है, अब वो पहाड़ को पूछने लगा। थोड़ी देर के बाद उसने देखा एक चूहा आया, एक बड़ा चूहा आया, और वो क्या करने लगा, उस पहाड़ में बिल बनाने लगा। अब उसका दिमाग खराब, उसने कहा पहाड़ को हवा नहीं हिला पाई, ये छोटा सा चूहा इसमें क्या कर रहा है, बिल बना रहा है, तो भैया ये पहाड़ नहीं, ये चूहा परमेश्वर है। क्या बोला? चूहा परमेश्वर है। थोड़ी देर के बाद वहां पे एक बिल्ली आई, और बिल्ली को देखते ही चूहा फुदक के बिल के अंदर। अब उसने कहा, भैया बिल्ली से चूहा डर के बिल के अंदर चला गया, तो भैया बिल्ली परमेश्वर है। क्या बोला? बिल्ली परमेश्वर है। अब उसके दिमाग में ये चल रहा था। थोड़ी देर के बाद एक कुत्ता आया, कुत्ते को देख के बिल्ली भाग गई। उसने कहा, भैया ये ही परमेश्वर है। थोड़ी देर के बाद एक इंसान आया, और वो इंसान को
देख के कुत्ता दुम हिलाने लगा, और जब इंसान उसको पुचकाने लगा ना, बहुत सारे डॉग लवर्स होते हैं, तो जैसे वो पुचकाने लगा तो वो कहता है भैया ये इंसान ही परमेश्वर है। अब वो इंसान को पूछने लगा। थोड़ी देर के बाद देखता है उस इंसान को हार्ट अटैक आया और वो मर गया। वो बेचारा बड़ा दुखी बैठ गया। उसने कहा इतनी सारी चीजें हो गई, कोई भी परमेश्वर नहीं है। इस मनुष्य को सोचा कि कुत्ता इसके आगे भी दिल अपनी दुम हिला रहा है, ये ही परमेश्वर है, तो भैया ये भी मर गया, ये भी परमेश्वर नहीं है। फिर वो एक मैदान में गया और जाके खड़ा हुआ और अपनी आंखों को ऊपर स्वर्ग की ओर लगाया, आसमान की ओर लगाया, और क्या बोला पता आपको? कहता है परमेश्वर परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर परमेश्वर है। परमेश्वर का तुलना मैं और आप जानवर से, सृष्टि से नहीं कर सकते। कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप सोचो कोई चित्रकार है, अगर कोई कोई चित्र बना रहा है तो आप चित्रकार की तुलना क्या चित्र से करोगे? नहीं। बहुत अच्छे खाना बनाने वाले हैं तो आप खाने की तुलना खाना बनाने वाले से करोगे? नहीं करोगे, है ना? क्यों? क्योंकि वो बनाने वाला है। तो आप सोचो जो हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है वो अद्भुत परमेश्वर है। वचन कहता है इब्रानियों 13:8, अगर आप पढ़ोगे इब्रानियों 13:8 में कहता है कि परमेश्वर कल आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है, उसका फितरत बदलने का नहीं है। हालेलुया। वो जीवन देने वाला परमेश्वर है, और ऐसे परमेश्वर के लिए हम लोग ताली बजाते है ना, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और इस चीज के लिए बोलेंगे कि परमेश्वर परमेश्वर है। क्या परमेश्वर? सब बोले परमेश्वर परमेश्वर है। परमेश्वर की तरह ना ही कोई था, ना ही कोई है, और ना ही कोई हो सकता है। तो हम सब मिलके यहोवा परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। ये गीत जो हम लोग आज गाएंगे, जब मैं संडे स्कूल में थी तब से सीखा हुआ है। बहुत सारे जो पुराने लोग हैं हमारे उनको आता होगा, बहुत सारे जो नए लोग हैं उनको नहीं आता, लेकिन वो लोग सीखेंगे सीखेंगे ताकि हम लोग परमेश्वर को आराधना दे सके। जो लोग बैठे हुए हैं आप लोगों को दिक्कत है क्या कुछ? यदि जिसको दिक्कत है तो यहाँ आ जाए सर, जिसको बीमार है ज्यादा बीमार है तो यहाँ बैठे, मैं आपके प्रार्थना करता हूँ। वरना खड़े हो सकते हैं तो खड़े जाइए अपनी जगह पे, क्योंकि हम कितने परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, मस्ती मांगने के लिए। अपने स्थान पर खड़ा करके आराधना करिए ताकि परमेश्वर आपको अच्छे चाहिए, और आप बीमार हो तो सामने आ जाए। यहाँ की जगह छोड़ कर जाए फिर आखिर तक यही बैठना। आप लोग जगह कवर कर लीजिए जो जगह खड़ी हुई है। द्वारा हम आपको महिमा दे सके। पवित्र आत्मा
मन शांत हरा सके रहे। प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा हम लोग के सहभागी हो, हम लोग के संग सहभागी हो खुदावर, और प्रभु आपके स्वर्गदूत हम लोग के संग रह के आराधना करें। फादर वी वर्शिप यू जीसस। प्रभु हम आपको धन्यवाद दे सके, आज जितने भी लोग चाहे बोझ में आए हो चाहे बीमारी में आए हो, इस चीज का विश्वास करें कि यीशु छुटकारा देने वाला है। चाहे हम पुराने हो चाहे हम नए हो, लेकिन याद रखिएगा यीशु नया करने वाला परमेश्वर है, यीशु चंगा करने वाला परमेश्वर है, यीशु जीवन देने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो परमेश्वर है और परमेश्वर ही परमेश्वर है। हम परमेश्वर का तुलना किसी से नहीं कर सकते खुदावन, लेकिन प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु हम प्रभु आपको मानने वाले लोग हैं। पिता हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हर एक जन के साथ होना, हर एक जिंदगियों को छू लेना खुदावन। आज अब आराधना हम लोग करते हैं, एक एक जिंदगियों में खुदावन आपका रूह उतर जाए और हर एक जन खुदावन आपको महिमा दे सके। अपने सारे हृदय से वंदना करें, धन्यवाद करें अपने सारे जीवन से।
जब
आखिरी वचन है। क्या पता मैं उसके बाद ना हूं, क्या पता इसके बाद मैं वचन ना दे पाऊं, क्या पता मैं मर जाऊं। तो कहते हैं मैं अपना इसीलिए जो समय परमेश्वर मुझे दिया उतना मैं अपना 100% परमेश्वर को देना चाहता हूं, ताकि परमेश्वर के आगे, क्योंकि मुझे जवाब दे ही देना है। हालेलुया। तो मैं और आपको भी अपना हिसाब परमेश्वर को देना है। तो जिंदा खुदावन के लिए जिंदा आराधना तो कर सकते हैं ना। क्या पता आज हम में से किसका आज आखिरी दिन हो। सच्चाई है, डरने की जरूरत नहीं है, है ना। पौलुस क्या कहता है, जीना मसीह और मरना लाभ है। तो मरने से डरना नहीं है। तो अगर जितना समय परमेश्वर मुझे आपको रखा है, मुझे और आपको क्या करना है, परमेश्वर को महिमा और सम्मान देना है उसकी उपस्थिति में। तो हम लोग परमेश्वर को सच्ची आराधना देंगे। हालेलुया। जय जयकार, जय जयकार करे। Thank you.
यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। हम उस सच्ची को परमेश्वर के आराधना कर रहे हैं। मैं दुआ करूंगा जितने लोग अपनी कमजोरियों में और अपनी बीमारियों में बैठे हुए हैं, परमेश्वर उनको चंगा करे। और यदि कोई सीरियस रोग उनके साथ में है और वो खड़े होने में असमर्थ है, तो परमेश्वर आज उनको चंगा करेगा और वो ठीक हो गया। यदि कोई खाम खामे बैठे हुए हैं, उनको अच्छा सा नहीं लग रहा, तो बैठी हुई आशीष को लेंगे। और जो खड़े होकर के आराधना कर रहे हैं और परमेश्वर के नाम को महिमा दे रहे हैं और अपने जिस्म को और अपने शरीर को, कमजोर हो सकता है, बूढ़ा हो सकता है, लेकिन फिर भी प्रभु के लिए आप खड़े हुए हो, आप अपनी आशीष को अपने प्रतिफल को खोने नहीं पाओ। हमें परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे से पहले की आराधना करें। मैं छोटी सी प्रार्थना उन लोगों के लिए करूँगा जो बीमार हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं। परमेश्वर इन पर अपने मेहर को करें और इनको चंगा करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सबसे ऊंचे पर विराजमान पिता परमेश्वर, आपसे दुआ करते हैं। हम इस बात को महसूस करते हैं कि प्रभु आप हमारे बीच में हैं, और जब आप हमारे बीच में हैं तो प्रभु ये लोग जो प्रभु सामने बैठे हैं, कमजोर हैं, पीछे बैठे हुए हैं, कमजोर हैं, और सच्चे तरीके से प्रभु जो यहाँ पर अपने उस बीमारी को आपके सामने अपने मन में आपसे बोल रहे हैं, प्रभु आप इन पर अपनी दया को बनाइए, इनको चंगा कीजिए, आपके नाम में इनका रोग दूर हो जाए। प्रभु यीशु, आराधना में हम गवाही को देखना चाहते हैं और दुआ करते हैं जो चंगे हो गए हैं और जिनको परमेश्वर ने छू दिया है, जिनको महसूस हो गया कि मैं ठीक हूँ, जिनको लग गया कि मुझे यीशु ने स्पर्श करके मुझे चंगा कर दिया है, तो वो खड़ा होकर के आराधना कर सकता है और प्रभु के नाम को महिमा दे सकता है। थैंक यू जीसस। ना तो बल से ना शक्ति से, पर प्रभु अपनी सामर्थ्य से आज यहाँ उपस्थित लोगों को जीवन दीजिए और उनको चंगा करिए और उनके विश्वास को बढ़ा करिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, ये सब आपके स्पर्श से चंगे किए जाए अभी और इसी समय। धन्यवाद पिता, अपनी प्रार्थना को सुना। सब एक साथ मिलकर के बोल सकते हैं आमीन, आमीन, आमीन। हम लोग परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देंगे, उसकी आराधना करेंगे, और जो चंगा हो गया है वो आराधना में खड़ा होकर उसके नाम को महिमा दे सकते। थैंक यू जीसस। सेनाओं का यहोवा
सेनाओं के यहोवा की आराधना करें। मालूम है किसने कहा था सेनाओं का यहोवा? दाऊद ने कहा था, मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूं। आमेन। और सेनाओं का यहोवा, आप सोचो जरा कि एक सेना होती है और एक सेनाएं होती है, और हम उस परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं जो सेनाओं का परमेश्वर है। आमेन। इतने फरिश्ते, इतनी टीम आकर के खड़ी हो जाएगी कि कोई गिन नहीं सकता। आमेन। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूं, आपको पता होगा साधु सुंदर सिंह के विषय में कितने लोग जानते हैं। उनके साथ जो पीड़ा हुई वो कितने लोग जानते हैं? जो पीड़ाएं हुई वे क्या क्या पीड़ा थी कोई बताएगा? और साधु सुंदर सिंह एक सिख परिवार के थे, ख्रीस्ट विरोधी थे, सब धर्म को मानते थे सिवाय कृष्ण की को छोड़। एक दिन उन्हीं के गांव में क्रिश्चियन कॉन्वेंट स्कूल था। वो इतने कट्टर थे, इतने नाराज होते थे वहां स्कूल में जाने से, और वहां पर दुआएं होती थी उससे ज्यादा और नाराज होते थे। तो उन्होंने इंजील को फाड़ दिया, पन्ने फाड़ फाड़ के फेंक दिए। क्या करा? इंजील के पन्ने फाड़ फाड़ करके फेंक दिए। लेकिन जीवन कैसा रहा? अशांत रहा। जीवन कैसा रहा? अशांत, दुख से भरा हुआ। उन्होंने उस स्कूल से गुस्से में, खिसियाट में वहां से अपना तबादला किसी सरकारी स्कूल में करवा लिया। छोड़ गया स्कूल को गुस्से पाए क्योंकि वो क्रिश्चियंस का। लेकिन उनके जीवन के अंदर शांति नहीं थी, अशांत जीवन था। बड़े हो गए उम्र में, करते 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 बहुत उन्होंने विरोध करा, पेच फाड़े, अपने साथ लोगों को ऐसे गिरोह को लेकर के खड़े होते थे, क्रिश्चियनों का विरोध करते थे, बाइबल हाथों से छीन करके फाड़ दिया करते थे, बहुत बुरा व्यवहार करा था उन्होंने। लेकिन एक दिन बड़े परेशान हुए, अशांत में उनका कोई है परमेश्वर तो मुझे बचा लेगा वरना आज मर जाऊंगा। तो प्रभु ने उनको दर्शन दिया, मैं शॉर्ट कर बता रहा हूं, प्रभु ने उनको दर्शन दिया और उन्होंने अपना जीवन प्रभु को दे दिया। उन्होंने अपनी जिंदगी यीशु मसीह को सौंप दी और सौंपने के बाद में उन्होंने अपने पिता को बताया कि मैं प्रभु यीशु मसीह को मानने लग गया और मैं ईसाई धर्म पर विश्वास करने लग गया। क्या कह रहा है? नाराज हो गए, नाराज, इतने नाराज हुए कि उन्होंने अपने बेटे को घर से बाहर निकाल दिया। और बुरा बर्ताव, घर के लोगों ने जहर पिलाया खाने में, एक बंदा मरा नहीं क्योंकि परमेश्वर को जीवन दे दिया था। अब बाकी का काम परमेश्वर का था, इंसान का नहीं। ध्यान से सुनिएगा, यदि जीवन प्रभु को दे दिया है तो अपनी चिंता मत करो क्योंकि वो आपकी चिंता करना जानता है। आमेन। तो क्या हुआ कि वो निकल गए घर तक, कई यात्राएं करी, इतनी यात्राएं करी, पैदल पैदल ही चला करते थे वो, गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया और पैदल के अलावा नहीं चलते, पैदल ही डाल दिया। उन्होंने तो मार के पकड़ के डाल दिया कुएं के अंदर। और ऐसे ही साधु सुंदर सिंह को भी उसी के अंदर डाल दिया, वहां मांस के लोथड़े पड़े थे, कंकाल पड़े थे, उसमें जाकर वो गिर गए और गिर करके बुरा हाल हो गया। इतनी साल थी, इतनी गंदगी थी, जोगों ने उनके पैरों में, शरीर पे चिपक करके उनका खून चूसना शुरू कर दिया। बहुत बुरा हाल, मतलब कि आप और सोच भी नहीं सकते। और करते 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 क्या हुआ, उन्होंने परमेश्वर से बात करी, प्रभु शायद मेरी जिंदगी के आखिरी दिन आने का आवाज आती, ऊपर से रस्सी पकड़ और ऊपर आ जा। क्या हुआ? रस्सी पकड़ और ऊपर आ जा। उन्होंने रस्सी पकड़ ली और ऊपर चढ़ गए और उनको पता चल गया कि उनको परमेश्वर ने बचाया। किसने बचाया? और फिर वो आगे निकल करके सेवा करते 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 एक दिन लुप्त हो गए तिब्बत जाकर के। कहां जाकर के? तिब्बत में सबसे ज्यादा क्रिश्चियन का विरोध था उस समय में, और वहां जाकर के लुप्त हो गए। और उसके बाद उनका पता
नहीं था, हमारा तो कुछ भी नहीं सह। आप सोचो कि एक ऐसे परिवार से आकर के बंदे ने कितने विरोधों को साथ, सिर्फ इंसान के विरोध को नहीं, जानवर के विरोध को भी। मालूम है, बताते हैं कि वो जंगल में सो जाया करते थे, गुफाओं में सो जाया करते थे, जाड़े की सर्द हवाएं उनको लगती थी, ठंड लगती थी, लेकिन वो ऐसे ही सो जाया करते थे। एक दिन चीता उनके बराबर में सोया हुआ था, एक दिन उनके जो वो ओढ़ते थे उसके अंदर कोबरा सांप घुसा हुआ था। मतलब कि बहुत कुछ यातनाएं सही उन्होंने, बहुत कुछ कष्ट, और हम और आप जरा सभी कष्ट सहने को तैयार नहीं। मेरे प्रिय, यदि आज प्रभु के पास ना आए हो, थोड़ा सा कष्ट सह। हमें उनके हाथ पैर काम नहीं करते, तो मालूम क्यों? क्योंकि पैदल चलना, पैरों से खून आना, कभी जानवर घायल करा तो कभी इंसान मारता है, यातनाएं बड़ी पीड़ाएं थी, लेकिन वो बंदा चलता रहा, चलता रहा। उसके जीवन का एक मकसद था, उसके जीवन का एक मकसद था सुसमाचार प्रचार करना। क्या करना? सुसमाचार प्रचार करना। अब प्रभु ने उसे क्या करा? आशीषित किया। आमेन। आप भी आशीषित होना चाहते हो तो परमेश्वर आज आपकी जिंदगी को लेकर आया है। मैं देख रहा हूँ बच्चों ने हिम्मत करी खड़े हुए, और एक दूसरे नंबर वाली बेटी गिर गई। मुझे नहीं मालूम क्या प्रॉब्लम है, लेकिन परमेश्वर आज 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 चंगा करेगा। हमें देर नहीं लगेगा। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा सब कुछ हो सकता है। आज ही चंगा है, कल नहीं, आज ही चंगा, आज ही परमेश्वर तुमको चंगा करेगा। आज ही तुम उत्तर देख रहे होंगे, ये गवाही होगी अगले हफ्ते के लिए। जब भी गवाही का दिन होगा, गवाही दोगे कि प्रभु ने मुझको सेम डे में चंगा करा। देर नहीं लगाई, और परमेश्वर प्यार करने वाला परमेश्वर है। विश्वास से जो मांगोगे वो हो जाएगा। आमेन। विश्वास से जो मांगोगे वो, विश्वास से जो मांगोगे वो। यदि आज आप विश्वासी बनकर क्या हो, अविश्वासी नहीं, विश्वासी बनकर क्या हो, तो आज जो कुछ परमेश्वर से मांगोगे परमेश्वर देगा। आज मैं शुरू से प्रार्थना इस बात की कर रहा हूँ, इस बात को क्लेम कर रहा हूँ, आपका विश्वास आपके लिए आज चंगाई को लेकर क्या रहा है, आपका विश्वास आज आपके जीवन के लिए परिवर्तन को लेकर रहा है, आपका विश्वास आज आपके जीवन के लिए काम करेगा। सिर्फ आपका विश्वास काम करेगा। मैं प्रार्थना मांगूंगा परमेश्वर से, और आज आपका विश्वास काम करेगा। आमेन। 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सब युगों से पहले सबसे उच्च पर विराजमान यीशु राजा, हम धन्यवाद देते हैं आपके तमाम आशीषों के लिए, बरकतों के लिए जो आपने हम सबको दिया। आपका धन्यवाद। थैंक यू जीसस। परमेश्वर आप अपने अद्भुत जलाली का आरंभ कीजिए, ताकि प्रभु लोग उस परमेश्वर को जो इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है, उस परमेश्वर को जो आज की इस धरती के युग के लोगों का परमेश्वर है, साधु सुंदर सिंह का परमेश्वर है, हम सब का परमेश्वर है, यहाँ बैठे हुए लोगों का परमेश्वर है। प्यारे पिता, अपनी करुणा इन सब के ऊपर बनाइए। आपके नाम में इनके रोग, इनके कष्ट, इनकी बीमारियों में एक कैदर की दुष्ट आत्माएं श्राप खत्म होने पाए। प्रभु यीशु नासरी के नाम में शरीर को नया बल, नई ताकत, नई ऊर्जा मिलने पाए। दुष्ट आत्मा बीमारियां शरीर को छोड़ करके चले जाए। पवित्र आत्मा का गहरा स्पर्श विश्वास के द्वारा इसको चंगा कर रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस, पवित्र आत्मा से छुओ और चंगा करके उठा देना, चंगा करके उठाना। इन द नेम ऑफ जीसस, होल स्पिरिट, थैंक यू। धन्यवाद करता, आपने प्रार्थनाओं को सुन लिया, आपने चंगा करा। यहाँ बहुत बहुत सारे लोग बैठे हैं जो विश्वास के साथ में अपने लिए मांग रहे हैं, अपने परिवार के लिए मांग रहे हैं, और अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए प्रार्थना और कामना कर रहे हैं, और आत्मिक आशीषों को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना और कामना कर रहे हैं। परमेश्वर आज देने जा रहा है, आज आप आशीषित होंगे, और परमेश्वर आपके आत्मिक उन्नति को बढ़ाएगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। यदि कोई जन अपने अंदर की बुराइयों को, अपने अंदर के नशे को, अपने अंदर